इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि आप लोग के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आपके मन में जो जितने भी बाधाएं हैं सारा के सारा दूर हो जाएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा आपके आगे पीछे कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आपका अच्छाई को देखना नहीं पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस हालात में अपने आप को आत्मनिर्भर रहना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं मेरे समाज में लोग, आप लोग के समाज में भी होते होंगे, कि अगर आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वह रास्ते का पत्थर बन के आप लोग के आगे आ जाता है, आप लोग के रुकावट के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना हिम्मत खो देते हैं और आप और जो उसके जो आगे बढ़ने का लक्ष्य जो होता है, अपने मन के अंदर जो आत्मविश्वास होता है, वह हमेशा के लिए वहाँ पे टूट जाता है। तो दोस्तों, हमेशा आप लोग के अपने अंदर एक आत्मविश्वास को रखना है, जिसके बल पे आप लोगों को आगे चलना है और आप लोगों को दिखा देना है कि मेरा मंजिल जहाँ है वहाँ मुझे पहुँचना है, कोई भी कीमत पे मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और हमेशा आप लोगों को आगे चलना है। कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर आप लोग को ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को देख के वह जो बोल रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में आगे ना बढ़ें। दोस्तों, हमेशा आप लोग अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, जिसके फलस्वरूप आप आगे जाके अपने भविष्य में आप लोग का जो लक्ष्य है, जो आप लोग का मकसद है, वहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं, जो आप लोग का जो पाना चाहते हैं वो आप लोग पा सकते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है हमेशा उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति हमेशा पीछे रहता है, कि घिसता है कि ये व्यक्ति आगे ना मुझसे बढ़ पाए, ये व्यक्ति मुझसे आगे ना बढ़ पाए, हमेशा यही कोशिश करते हैं और उसे चाहता है हमेशा वो मुझसे नीचा ही रहे। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग को हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ताकि मैं ये कार्य को कर सकता हूँ। तो इसी मार्गदर्शन के साथ आप लोग को आगे बढ़ना है और क्या बोलना है कोई इस पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। आप लोग देखते होंगे, जब हमेशा आप लोग देखते होंगे कि पक्षी बहुत सारे होते हैं, पर उसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जो पक्षियों का राजा माना जाता है, उसे बाज कहते हैं। बाज हमेशा आसमान को चीरता हुआ अपना इतिहास लिखता है, बाज खुद अपना इतिहास लिखता है। उसी प्रकार आप लोग को भी अपना इतिहास खुद बनाना है। कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है इस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। आप मुझे क्या करना है इसके सहारे आप लोग को आगे अपने जीवन में बढ़ना है। इसी तरह बाज की तरह आप लोग अपने जीवन में जो आप लोग को लक्ष्य है वहाँ तक आप लोग को पहुँचना है। कोई भी कीमत पे कोई मुझे रोक ले, मैं रुक नहीं सकता हूँ, अपने लक्ष्य के पूरा किए बिना मैं रुक नहीं सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। ज़रूर आप लोग को कामयाबी मिलेगी।